सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता देश और समाज की बेहतर सेवा तो करता ही है, वहीं राजनीति का स्तर भी ऊंचा करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी मोर्चों ने 4 फरवरी को अपना अभ्यास वर्ग का आयोजन किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने अपना अभ्यास वर्ग नालंदा पब्लिक स्कूल बुराड़ी में आयोजित किया। अभ्यास वर्ग का उद्घाटन भाजपा दिल्ली के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश जेपी और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी विनोद सहरावत भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष गौरव खारी ने की। पूरा कार्यक्रम 5 सत्रों में आयोजित किया गया था, जिसे सिद्धार्थन जी, जयप्रकाश जेपी, विनोद सहरावत, कुलदीप चहल, रेखा गुप्ता और अनिल झा आदि ने संबोधित कर सभी ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ताओं को अभ्यास वर्ग का महत्व बताया। अंत में गौरव खारी ने अपने कार्यकारिणी के साथ सभी नेताओं का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे ही अभ्यास वर्ग आयोजित करने की घोषणा की। पेश है एक रिपोर्ट। 37 अभी ना तो 3 में है ना 3 से हाथ कार्यकर्ता हाथ खड़ा करे, अभी तक किसी में हाथ खड़ा नहीं कर पाया किसी में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी हम सब इसके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। कब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? हाथ खड़ा करेंगे बस, मैं अपने आप पूछूंगी, स्थापना कब हुई आप बताएं। अच्छा सुनो, जो सही बताएगा उसका नाम गौरव खारी जी लिखेंगे और उसको बाद में प्राइज देंगे, और जो गड़बड़ बता रहा है उसका भी लिखेंगे, उसको बाद में क्लास देंगे, क्लास देंगे। हाँ जी आप बताएं। 6 अप्रैल 1980 एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। पर हमारी पार्टी तो बहुत पुरानी है। अब 6 अप्रैल 1980 को बहुत समय 30 दशक मान लिया, उससे पहले किस नाम से ऐसे थोड़ा पूछा, हाथ खड़े करते नहीं, आप बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले किस नाम से हमारा संगठन काम करता था आप बताओ। येलो जनसंघ के नाम से। चलो अब देखो, बोलना नहीं है, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, इनका नाम नोट करो। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष गौरव खारी जी, हमारे इस मोर्चे के प्रदेश के प्रभारी विनोद सहरावत जी, आज के जो अपना वर्ग है उसमें उपस्थित सभी मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष, सभी जिलों के पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, आज पूरी दिल्ली प्रांत के अंदर जो हमारे 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों का अभ्यास वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग है। और हमारे संगठन के अंदर अभ्यास वर्ग का, प्रशिक्षण वर्ग का अपना महत्व होता है। 7 मोर्चे अपनी अपनी तैयारी के साथ आज के वर्ग में अपने अपने स्थान पर जो उन्होंने स्थान तय किए हैं, पूरे दिल्ली भर के जो हमारे मोर्चों के आज के वर्ग में अपेक्षित कार्यकर्ता हैं, उन सबकी उसमें उपस्थिति। मोर्चे और पार्टी, और पार्टी में मोर्चों का महत्व, ये बहुत बड़ा विषय है। और जिस मोर्चे के हम कार्यकर्ता हैं उसका पार्टी में सबसे ज्यादा महत्व, उसका सबसे ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि
ओबीसी ने पहली बार देश को एक प्रधानमंत्री दिया है, ये कितना बड़ा महत्व हम सबका है कि इस वर्ग से कार्यकर्ता के रूप में नीचे से लेकर ऊपर तक वर्षों वर्ष तक काम करते करते, चाहे प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया, चाहे प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में काम किया, चाहे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम किया, चाहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में काम किया, और फिर गुजरात के वो मुख्यमंत्री बने और आज देश के प्रधानमंत्री। तो ओबीसी का पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो जो हमारी पार्टी है उस पार्टी के अंदर जातिवाद का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हम सब जिस विचारधारा, जिस पार्टी, जिस मूल विचार से हम निकल कर आए हैं, जिसका सबसे पहला सत्र हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री सिद्धार्थ जी ने लिया, उसके अंदर मूल मंत्री ये है कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, हम सब हिंदू संस्कृति के लोग हैं और इस देश की खूबसूरती भी है। का जल अंजलि में कश्मीर की सुंदरता, काम रूप की धूल द्वारका की पावन प्यारी ममता, बंग देश की भक्ति भावना महाराष्ट्र की तन्मयता, शौर्य पंच नद विजय विश्व में राजस्थानी प्रबल क्षमता, केंद्रित कर निज प्रखर तेज को फिर भारत बलवान उठा, करवट बदली अंगड़ाई भी सोया हिंदुस्तान उठा। मेरा चौथे मोर्चे में आज आने का सौभाग्य मिला, इससे पहले तीन मोर्चों में वर्ग में जाना हुआ। आपके मोर्चे पर जब मैं आया तो ये पहला मोर्चा था जहाँ नीचे बैठा कर आपने सत्र को चला रहे हो, तो लग रहा है कि ओबीसी मोर्चे का वर्ग है समाज का पिछला वर्ग, नीचे बैठ के अपना जमीन से जुड़ा वर्ग अपना कार्यक्रम चल रहा है, सुबह से चला रहा है। तो सबके घुटने ठीक है, कमर ठीक है, सब किसान और मजदूर लोग हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत है साथ में। बड़ा व्यवस्थित तरीके से मैं आया तो देखा पंक्तिबद्ध तरीके से आपने अपने पदवेश भी उतार रखे हैं और बड़े पंक्तिबद्ध तरीके से सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारे साथ कई बार ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष जी को रामलाल जी ने भी कहा वो सीनियर लोग भी जोड़ने चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ आज इस बैठक में वो सीनियर पुराने लोग बैठे हैं, कुछ जो जोड़ रखे हैं जिन्होंने मेरे साथ भी छात्र राजनीति में काम कर रखा है, संदीप जी आपके साथ उपाध्यक्ष, संदीप सरावत जी, अरुण कटाना जी, ऐसे कुछ और भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमारे साथ भी छात्र राजनीति में काम किया हुआ। साथियों, जो विषय मुझे लेने के लिए कहा गया है केंद्र सरकार की उपलब्धियां, इस केंद्र सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं कि जिनको अगर पूरा दिन भी जिनको लिया जाए, पूरा दिन भी आपसे जिनकी चर्चा करी जाए तो शायद वो कम होगा। जब ये सरकार बनी, उस सरकार बनने से पहले नरेंद्र भाई मोदी जी एक बात कहते थे कि जो मेरी सरकार होगी वो गरीब की सरकार होगी, पिछड़े की सरकार होगी, युवा की सरकार होगी, महिला की सरकार होगी, गरीब की सरकार होगी, और उस बात को उन्होंने कृतार्थ करके दिखाया। साथियों, 16 मई 2014 का दिन हमें याद है, 16 मई 2014 क्या था? चुनाव कर दिया। 16 मई 2014 का वो सवेरा, वो एक बदलाव का सवेरा, नए संकल्प का सवेरा, एक परिवर्तन का सवेरा, भारत की उस 16 मई 2014 को एक नए बदलाव के साथ साथ भारत की 125 करोड़ जनता का एक अलग उत्साह का सवेरा था। हम सब लोग उस 16 मई को चुनाव के बाद रिजल्ट की, हम ही नहीं, देश, दिल्ली नहीं, पूरा देश उसकी अपेक्षा प्रतीक्षा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि एक बैकवर्ड क्लास का, एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने भी जा रहा था।
उस 16 मई को सवेरे में जो नए उत्साह नए उमंग नए जोश नए संकल्प नए सपनों के साथ का था, जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहा ये क्लियर होता रहा कि आज जो सरकार बनने जा रही है, जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद को राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, जिसने 282 से अधिक सीटें लेके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का आगाज किया। साथियों 26 मई 2014 क्या था साथियों 26 मई 2014 शपथ ग्रहण सभा। साथियों 5 पीढ़ियां लग गई उस दिन को देखने के लिए जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कार्यकर्ताओं के सपने थे, संकल्प थे, इमरजेंसी से पहले भी जेल गए, इमरजेंसी में भी जेल गए, इमरजेंसी के बाद भी जेल गए। कश्मीर से लेके केरल से लेके कन्याकुमारी तक हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जो अत्याचार हुए, जो पहले भी थे और आज भी थे, हम सब देख रहे थे। पर हमारे ना सपने कमजोर पड़े ना हमारे संकल्प कमजोर पड़े और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर 26 मई 2014 को नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेते हैं। आज 2-3 जगह सत्र में जाने का मौका मिला है तो शुरुआती दौर के सत्र में तो सब लोग बड़े अलर्ट होकर सुनते हैं, दूसरे दौर में भी ठीक से सुनते हैं, फिर तीसरा चौथा खाने के बाद थोड़ा थक जाते हैं। और मैं आपके व्यवस्था को, क्योंकि आप बिल्कुल नीचे बैठे हैं, मैं उसको समझ सकता हूँ, नीचे बैठने की आदत आजकल कम रहती है और चेयर पे होते हैं तो थोड़ा लंबा भी बैठ जाता है, तो मैं आपके बैठने की व्यवस्था को देखते 10-15 मिनट में मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। मेरे बीच में मेरे बड़े भाई विनोद सहरावत जी जिला अध्यक्ष थे, मेरा पहला चुनाव विनोद जी ने लड़वाया था और मुझे 5 लाख रुपये भी दिए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप चुनाव लड़ो तो विनोद जी भी प्रभारी है तो आप बात कर सकते हैं। मेरे को ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरा बिल्कुल छोटे भाई की योगी विधानसभा चुनाव का 5 लाख उसको देंगे। हाँ प्रांतीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के श्री गौरव खारी जी को जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष, बड़ा हर्ष हुआ मुझे। आज ओबीसी दो 72 करोड़ मोर्चों के अध्यक्ष रहे और गौरव जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था, ये गौरव लेने उस समय विश्वविद्यालय में आए थे और मैं देखता था कि इतनी शार्प हिंदी MBA करने वाला लड़का और वो चंद्रावल का, मैं कहा ये कम होते थे और इतना अच्छी मतलब कि ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलने वाला, फिर यही जूसू में जॉइंट सेक्रेटरी बने, विभाग के विभिन्न दायित्वों पर रहे। वो धर्म से थोड़ा वंचित रहा कुछ वक्त, वो अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता था, सबके काम इस तरीके के थे, लोहार बढ़ई इस तरीके के काम होते थे किसान वाले, तो उसके पास राष्ट्र के लिए भी उतना समय नहीं मिल पाता था जितना के। लेकिन अब चूंकि हर क्षेत्र में शिक्षा बढ़ी है और शिक्षा के साथ साथ वो विकसित भी हुआ है तो उसके पास इतना समय भी है राष्ट्र के लिए सोचने के लिए, धर्म के सोचने के लिए, तो हम उनके अंदर अगर ज्ञान पैदा करेंगे वो उसके अंदर बहुत तेजी से प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो अपने लिए संघर्ष करता रहा वो देश के लिए और धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।